Hello everyone, let's start with question number 33. So in this, it says a ball is thrown at a speed of 40 meter per second at an angle of 60 degree with the horizontal. Find the maximum height reached, height nikalni hai, and the range of the ball. Range and height ki baat ho rahi hai yahan pe. Aur ye projectile ka question hai. Yahan pe we are given with initial velocity. Initial velocity is 40 meter per second. और यहाँ पे हमारे पास g है या एक्सेलरेशन है, इट इज 9.8. ओके, इन दिस केस इट इज गिवन, सो नो नीड टू राइट हियर. इट इज गिवन एज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो वी विल टेक दैट एंड दैट एक्चुअली हेल्प्स इन मेकिंग कैलकुलेशंस इजी. सो इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड दी हुई है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमें 60 डिग्री दिया हुआ है, मैक्सिमम हाइट निकालनी है. मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u square sine square theta over 2g. अब u square is 40 square sine square theta sine square 60 degree over 2g, 2 into 10. So 40 square is 1600 and sine square 60. Sine 60 is अंडर रूट 3 ओवर 2. अब इसका स्क्वायर कर दो, यू विल गेट 3 ओवर 4. सो 2 इंटू 10 इंटू 4. अब इसको रिड्यूस करो, यू विल गेट योर आंसर एज 60 मीटर. सो हाइट, मैक्सिमम हाइट वो कितनी रीच कर सकते हैं, इट कैन गो अप टू 60 मीटर. अब सेकेंड आता है आपका रेंज. वी हैव टू फाइंड द हॉरिजॉन्टल रेंज. तो x को डिफाइन किया जाता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी. यू स्क्वायर इज 40 स्क्वायर, साइन 2 थीटा इज साइन 2 इंटू 60 डिग्री, दैट इज गिवन. अब जी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 दी हुई है ऑलरेडी. तो अब हमारे पास हो जाएगा 40 इंटू 40. अब साइन 60 डिग्री इंटू 2, That means it must be 120 degree. तो उसकी वैल्यू बिल्कुल सेम होती है जो आपकी साइन 60 की होती है. सो 10 है, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 2 से 4 कैंसिल कर दो, यू विल गेट 80 अंडर रूट 3 मीटर. तो मैक्सिमम हाइट इट कैन गो थ्रू इज 60 मीटर, रेंज जा सकती है उसकी 80 अंडर रूट 3 मीटर. सो दैट्स योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 33.